रिसेंटली मैंने डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट पढ़ी, एक बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड नॉन फिक्शन बुक है। डीप वर्क होता क्या है? डीप वर्क इज बेसिकली ऐसा काम जो आप बहुत ज्यादा ध्यान से एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में करते हो, और इसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। इसी के कंट्रास्ट में देयर इज शैलो वर्क, जो मतलब लॉजिस्टिकल स्टाइल टास्क होती हैं जो आप अपनी जिंदगी में करते हो, एंड दे डोंट ऐड मच वैल्यू टू योर लाइफ, बट दे हैव टू बी डन। ओके, तो ऑथर ने इस किताब में बहुत सारे अच्छे आइडियाज डिस्कस करे हैं, विच आई बिलीव आपको ये किताब बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी अगर आप इसे पढ़ेंगे। माई प्रॉब्लम इन माई लाइफ वॉज कि मैं ना फोकस नहीं कर पा रही थी। कोई भी बुक पढ़ रही हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट अनदर बुक। कोई भी काम कर रही हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट अनदर काम। तो मेरी जिंदगी में फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और मैं बहुत देर से एक ऐसी किताब ढूंढ रही थी जो मुझे थोड़ा सा कोई डायरेक्शन दे दे कि कैसे आई कैन बी फोकस्ड अगेन, है ना। तो ये किताब ने मुझे वो डायरेक्शन दी है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैंने एक ही दिन में, एक ही बार में बैठ कर ये पूरी किताब पढ़ डाली, बिकॉज ये इतनी अच्छी और वैल्यूएबल किताब है। और इसके कुछ वैल्यूएबल बातें मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगी, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड आप इस पूरी किताब को पढ़ना, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टोरीज जो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, बट यू नीड टू नो अबाउट देम, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डीप वर्क और कैसे करना है डीप वर्क। तो ये किताब वो सब बताती है, उसको पढ़िए। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक दे दिया है अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं अमेजोन से। सात मेन बातें मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ इस वीडियो में इस किताब के बारे में। पहली, वाई इज डीप वर्क इवन इम्पॉर्टेंट? डीप वर्क को ना 21st सेंचुरी की सुपर पावर माना गया है। ऑथर के हिसाब से डीप वर्क ना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बट रेयर होता जा रहा है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा लोग डिस्ट्रैक्शन वाले एनवायरनमेंट में शैलो वर्क करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की एबिलिटी है और डीप वर्क की एबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। पर ये तो जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो वी हैव टू बी द बेस्ट एट वॉट वी डू, और उसके लिए हमें चाहिए डीप वर्क। क्योंकि हाई क्वालिटी वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए एक फॉर्मूला बताया ऑथर ने, टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। तो आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से उस पर फोकस करेंगे, उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। एंड ऑनेस्टली, आप मार्केटर हो, राइटर हो, कंसल्टेंट हो, कुछ भी हो, क्रिएटर हो, चाहे कॉन्टेंट क्रिएटर हो, आपको अपने हिसाब से बेस्ट वर्क प्रोड्यूस करना है, अपना बेस्ट देना है, और उसे देने के लिए ऑथर के हिसाब से आपको डीप वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे एग्जाम्पल से ऑथर ने बताया कि जो लोग हैं ना, वो एक्चुअल में ज्यादा हैप्पी होते हैं अगर दे कैन जस्ट मैनेज देयर वर्क स्किलफुली, और वो डीपली वर्क कर पाए और थोड़ा इम्पैक्ट ला पाए अपने वर्क में, जो भी हो जाए, चाहे वो कारपेंटर हो, एक वुड वर्कर हो जो ऐसे वुडन की कोई चीजें बना रहा है, बट इफ दे कैन वर्क डीपली, अगर डीप वर्क हो जाए ना, तो दे विल बी मोर फुलफिल्ड। एंड ऑथर ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स और स्टडीज से ये बात प्रूव करी है इस बुक में। दूसरी बात, डीप वर्क की हैबिट को कैसे डेवलप करें? ऑथर ने इसमें बड़ा क्लियरली बताया कि आपको ना अपनी इंटेंशन से आगे बढ़ना होगा अगर डीप वर्क करना है। आपको एक रूटीन और रिचुअल्स ऐसे एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे जिससे आप डीप वर्क कर पाए, क्योंकि जो आपकी विल पावर है ना, उससे नहीं होगा। इसमें उन्होंने तीन तरीके की फिलॉसफीज बताई हैं जिससे आप डीप वर्क कर सकते हो। एक है बाय मॉडल फिलॉसफी, जिसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे मान लो 3-4 दिन अपना रेगुलर काम कर रहे हो, और बाकी के 3 दिन किसी अलग जगह में कैबिन में जाकर बंद हो गए, जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, वहां पे जाके अपना डीप वर्क कर रहे हो। बहुत सारे राइटर्स ऐसे करते हैं कि थोड़े दिन के लिए गायब हो जाते हैं और वो कर रहे हैं, बट अगेन द ऑथर सेज कि मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट डू दैट। हमें तो जॉब से निकाल देगा अगर हम बोले कि अच्छा मैं 4-5 दिन जवाब नहीं दूंगा बट मैं काम कर रहा हूँ। नोबडी विल बिलीव अस, राइट? वी हैव टू बी ऑलवेज कनेक्टेड। तो एक और फिलॉसफी है, दैट इज रिदमिक फिलॉसफी, जिसमें ना हर रोज उस डीप वर्क को करने की कोशिश करते हो। तो लेट्स से आपने बुक लिखनी है, तो आप सुबह सुबह रोज के 2 घंटे जैसे आप उठते हो, तो यू कैन डेडिकेट इट टू दिस डीप वर्क फिलॉसफी एंड यू कैन जस्ट डू दैट डीप वर्क। तो ऑथर भी इज अ पर्सन जो एक प्रोफेसर भी हैं, तो वो अपना वो अकेडमिक चीजों को भी डील करते हैं, एंड देन ही इज ऑल्सो राइटिंग दीज बुक्स। तो ही सेज मैं ये फिलॉसफी फॉलो करता हूँ बिकॉज दैट इज ईजियर टू फॉलो, एंड किसी के भी रूटीन में ये फिट हो सकता है। और एक और फिलॉसफी है जिसे जर्नलिस्टिक फिलॉसफी बोलते हैं। फेमसली वॉल्टर आइसैकसन यूज टू फॉलो दिस फिलॉसफी। वॉल्टर आइसैकसन, अगर आपको नहीं पता है, बहुत ही फेमस बायोग्राफर है। इन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी है, और भी काफी फेमस पर्सनैलिटीज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनकी बायोग्राफी लिखी है। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज लाइक, उनको जैसे कोई इंस्पिरेशन आई नहीं कि अभी मुझे कुछ लिखना है, अपना ऊपर जाते थे, टाइप 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 करके नीचे आ जाते थे। तो किसी भी टाइम पे उनको वो इंस्पिरेशन आ सकते थे और वो जाके काम करते थे। बट द ऑथर सेज ऐसा वाला डीप वर्क करने के लिए ना
हम लोग अभी इतने इक्विप नहीं है. ही इज अ पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो इतने ट्रेन हो गए डीप वर्क के लिए कि वो कभी भी इन एन इंस्टेंट ही कैन बी लाइक अब मैं डीप वर्क कर रहा हूँ. बट नॉर्मल लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है. तो इसलिए हमें अपने लिए एक फिलॉसफी चूज करनी पड़ेगी, अपनी खुद की फिलॉसफी बनानी होगी जिसमें हम एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, रिचुअल और रूटीन क्रिएट कर पाए जिससे हम डीप वर्क कर लेंगे. तीसरी बात, डीप वर्क रिचुअल बनाने के लिए ना आपको तीन बातों का ध्यान रखना है. कहाँ पर काम करोगे आप, कैसे काम करोगे जब आप स्टार्ट कर लोगे, और कैसे आप अपने काम को सपोर्ट करोगे. इसमें ना ऑथर ने बड़े सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिसको ही हैज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रैंड जेस्चर. तो ही टॉक्ड अबाउट जैसे जेके रोलिंग जब अपनी लास्ट बुक लिख रही थी हैरी पॉटर सीरीज की डेथली हॉलोस, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर. द होल वर्ल्ड वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट बुक, है ना. एंड शी वॉज लाइक मैं अपने घर पे लिख ही नहीं पा रही थी. एक टाइम तो ऐसा हो गया मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं, सब जगह इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन हैं और विंडो वॉशर्स भी आ गए हैं. तो वॉट शी डिड वॉज लाइक शी लेफ्ट हर हाउस, उन्होंने एक रूम लिया होटल में एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग देयर. वो एक दिन के लिए गई थी बट शी जस्ट was able to work so deeply उस दिन में, तो she continued writing her book there only. तो author ऐसे grand gestures की भी बात करते हैं. अब ऐसा grand gesture might not be possible for some of us, right? क्योंकि most of us might not be able to spend like $1,000 to $2,000 a day की एक luxury hotel में जाकर वहाँ पर जाकर हम अपना वो काम finish करें जो हम करना चाहते हैं deeply, right? But the author talks about कि आप अपना खुद का एक ऐसा routine और ritual establish करो so that जो डीप वर्क है आपका हो पाए. कैसे करोगे दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, आपकी जॉब क्या है, आपके एम्बिशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है. एंड बहुत सारे ऑथर ने ना एग्जांपल्स देकर आपको समझाया भी है. तो मुझे समझ आ गया है, आपको शायद अभी नहीं दिमाग में आया कि आपका रिचुअल कैसा होगा, बट अगर आप बुक पढ़ लोगे तो यू विल गेट योर ओन रिचुअल का फ्रेमवर्क इन योर माइंड. चौथी चीज, एक 4DX फ्रेमवर्क है जो किसी और ऑथर ने काफी साल पहले बताया था, दैट इज फॉर एग्जीक्यूशन. और मेरे साथ ये सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ एंड आई रियली प्लान टू रीड दिस ऑथर्स बुक एज वेल. काफी ज्यादा पुरानी है, 90 to 100 ईयर्स पुरानी है, बट आई रियली वॉन्ट टू रीड इट बिकॉज इन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया ना वो इसी बात पे दिया है कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. तो ऑथर ने भी एक एग्जाम्पल दिया कि बुक में कि एक बिजनेस ओनर था, उसने ना एक बंदे को बुला लिया, प्रोडक्टिविटी पर्सन को, कि आके आपने हमारी ये प्रोडक्टिविटी को बेटर करना है एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो उसको ऐसे बोल रहा था आपको ये करना है, वो करना, वो करना. तो वो बंदा जो आया उसने सारा रिकमेंड करा, आप ये करो, ये करो, ये करो. बट द बिजनेस ओनर वॉज वेरी एंग्री एट दिस. ही वाज लाइक मेरे को पता है क्या करना है, इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो हाउ टू डू इट. एंड इट वॉज लाइक स्टोरी ऑफ माई लाइफ. मेरे को पता है मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है, मेरे को सक्सेसफुल होने के लिए भी क्या करना है, आई नो ऑल द स्टेप्स, ठीक है, पर वो कैसे करना है मुझे समझ नहीं आता कभी. एंड ऑथर काइंड ऑफ लाइक गिव्स दिस फ्रेमवर्क व्हिच आई फेल्ट वाज वेरी वैल्यूएबल. तो इसमें ना उन्होंने चार डिसिप्लिन बताए हैं इस फ्रेमवर्क में, 4DX करके. तो फोर प्रिंसिपल्स, फोर डिसिप्लिन एक्चुअली. वन इज आपको ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पर ही फोकस करना है. तो आइडेंटिफाई द वाइल्डली इंपॉर्टेंट tasks and things that matter to you and focus on that. Second, he says act on the lead measures. तो यहाँ पे ना बात हुई है lag और lead measures की. Lag measure जो होता है that is sort of like a way to define आप क्या achieve करने की कोशिश कर रहे हो. And lead measures kind of define कि आपको कौन से behavior और चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आपका वो चीज achieve हो जाए. And the author says most of the people go wrong जब वो ना लैग मेजर पे फोकस करते हैं कि मेरे को 1 million सब्सक्राइबर चाहिए, मेरे को 1 crore की सैलरी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वो ना लीड मेजर्स पे फोकस नहीं करते. तो लीड मेजर वो होगा कि आपको वो करने के लिए जो भी आपका गोल है उसके लिए स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे एंड बिहेवियर्स क्या चेंज करने पड़ेंगे मेनली, और उसको आपको मेजर करना है. तो ही सेज एक्ट ऑन द लीड मेजर. तो इसमें ना उन्होंने काफी टेक्निकलिटीज दी हैं, मैंने इसको काफी थोड़ा सा गलत और सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करा है, बट इन द बुक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन लैग एंड लीड मेजर्स. और आपको एक बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में ना एक अपना वो डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इसके ऊपर एक्ट करूंगा. ऑलराइट. एंड द थर्ड डिसिप्लिन इज कि आपको ना एक कंपेलिंग स्कोर बोर्ड रखना है कि ऐसी जगह जहां पर आप ये सब कुछ ट्रैक कर रहे हो और वो हमेशा आपके सामने हो. अगर आप अपने ऑफिस में बैठकर काम करते हो तो सामने एक बोर्ड लगा के रखो जहां पे आप ये ट्रैक कर सको. अगर आप मतलब कुछ ऐसे ऑनलाइन कर रहे हो तो मेक श्योर एवरीबडी नोज कि ये आप कर रहे हो. इट्स नॉट द थिंग दैट एवरीबडी शुड नो, बट वो स्कोर बोर्ड आपके सामने हमेशा होना चाहिए. एंड लास्टली फोर्थ डिसिप्लिन है आपको ना अकाउंटेबल रहना पड़ेगा. तो मे बी यू कैन बी अकाउंटेबल बाय जस्ट टेलिंग योर कोलीग्स की दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू डू एंड गेट पीपल ऑन बोर्ड. अब इसमें ना ये बहुत ही ज्यादा ऐसी फिलोसफी है जो बहुत लोग अपोज भी कर रहे हैं आजकल. पीपल आर लाइक वाई डू यू हैव टू टेल एवरीबडी. स्पेशली वन ऑफ द पॉडकास्ट दैट आई वॉच कॉलिन एंड समीर, उसमें ना किसी ने बोला था कि ये करना बंद कर दे
देना चाहिए क्रिएटर्स को कि अच्छा मैं कल से 365 व्लॉग्स डालूंगा कंसिस्टेंटली, एंड फिर वो होता नहीं है. सो स्टॉप अनाउंसिंग एवरीथिंग यू आर ट्राइंग टू डू एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. बट उसमें ये अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर और ये सब आई थिंक मिस हो जाता है. बट यू हैव टू फाइंड योर ओन बैलेंस. ठीक है, एनी वे द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगा इस डीप वर्क किताब में डिस्कस हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आइडलनेस एंड डाउन टाइम. तो ऑथर ने ना बताया कि आइडलनेस मतलब पंजाबी में बोलोगे वेले रहना, फ्री रहना, एक ऐसा काम नहीं है जिसमें आप अनप्रोडक्टिव होते हो. इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन. जितना आपके लिए आपकी बोन्स के लिए विटामिन डी जरूरी है, उतना ही ज़्यादा आपके ब्रेन के लिए फ्री रहना जरूरी है, जिसमें आप टीवी नहीं देख रहे हो, फोन पे नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट स्टैंडिंग देयर और सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग. तो वो कहते हैं वो आपके ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए वो बहुत जरूरी है. एंड एट द सेम टाइम दैट इज डाउन टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मतलब अगर आप सारा दिन ही सोचोगे ना मैं डीप वर्क करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो पूरी बुक में आपको पढ़कर रियलाइज होगा कि ही सेज कि आप एक दिन में सिर्फ 4 घंटे डीप वर्क कर सकते हो, और शैलो वर्क भी थोड़ा होता है, वो करना ही पड़ता है आपको. लाइक ऐसा नहीं है कि यू कैन वन डे डिसाइड कि आप अपनी जिंदगी में, अपनी जॉब में, अपने पूरे सारे कामों में सिर्फ डीप वर्क ही करोगे और बाकी सब नहीं करोगे. बाकी सब की भी इंपॉर्टेंस है, आपको करना पड़ेगा, राइट. बट ही सेज कि एक डाउन टाइम जब आप अपना ये काम बंद करो और ये नहीं कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए. मोस्ट पीपल कीप लाइक आर ऑलवेज लाइक इन दैट फेज जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग. ही सेज कि डाउन टाइम की वजह से ना आपको एक्स्ट्रा इंसाइट्स आते हैं जो आपको अदरवाइज नहीं आएंगे. ओके, एंड वो आपकी ना सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो है उसको रिचार्ज कर देता है ताकि आप अपने अगले दिन डीप वर्क कर सको. वेर एज अगर आप सारा दिन सॉर्ट ऑफ वर्क कर रहे हो पर नहीं भी कर रहे हो, तो वो सब ना मुश्किल हो जाता है. तो ही स्पेशली टॉक्स अबाउट कि आपको इवनिंग में शट डाउन कर देना चाहिए, एंड ही टॉक्स अबाउट दिस शट डाउन रिचुअल जो आपको अपने लिए बिल्ड करना है. ठीक है, कि आपने एक सीरीज ऑफ स्टेप्स करने हैं जिसमें आपने सारा एनालाइज करना है, आपने आज क्या करा और कौन सा काम रह गया, उसको मेंटली एंड एक्चुअल में फिजिकली लिख के अपनी कल की टास्क लिस्ट में डालकर अपने दिमाग को खाली करना है. तो अपना एक शटडाउन रिचुअल आपको बनाना है जिससे यू कैन फाइनली बी लाइक कि अच्छा खत्म, नाउ माई डाउन टाइम स्टार्ट्स. एंड अगर उसके बीच में आप एक बार भी अपना लैपटॉप दोबारा खोल लेते हो या अपनी ईमेल भी दोबारा खोल लेते हो, तो इट जस्ट लाइक इम्पैक्ट योर कैपेसिटी टू डू डीप वर्क द नेक्स्ट डे. तो बहुत सारी अमेजिंग और बहुत सारी इंसाइटफुल बातें करी गई हैं, एंड विद एग्जाम्पल्स, विद रिसर्च दैट द ऑथर हैज साइटेड. ऐसे नहीं है कि बस ऑथर ने बोले मैं बोल रहा हूँ तो सच है. मुझे वैसी वाली नॉन फिक्शन बुक्स बहुत अनोइंग लगती है. तो ऑथर हैज एक्चुअली साइटेड अ लॉट ऑफ स्टडीज, एंड जो भी आपके मन में भी सवाल आएंगे ना, ये सुनते हुए भी शायद सवाल आ रहे हो, वो सारे ऑथर ने ना इसी बुक में टैकल करे हुए हैं, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस बुक. सिक्स्थ, ही टॉक्स अबाउट प्रोडक्टिव मेडिटेशन. इसमें ना मतलब आई रियली बिलीव दिस हैपन्स, एंड मैंने ट्राई करा हुआ है, बट लाइक इतने बस उसको सॉलिडिफाई कर दिया. एंड ही सेज लाइक कि आपको ना जैसे वॉक पे जाना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, आपका फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू जस्ट ऑन अ वॉक, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लाइक हैव प्रोडक्टिव मेडिटेशन. बिकॉज इसमें वॉक में आप अपने ना जो आपका काम है उस पर थोड़ा सोच रहे हो, और तब आपको जो आइडियाज आते हैं और तब जो ब्रेक थ्रूज होते हैं ना, दैट इज समथिंग दैट कैन नेवर हैपन अदरवाइज. तो ही टॉक्स अबाउट लाइक दिस प्रोडक्टिव मेडिटेशन, जिसके अंदर मेनली लाइक ही टॉक गिव्स दिस आइडिया ऑफ लाइक वॉकिंग. यू नो, वेरी ऑब्वियस थिंग टू अज्यूम इज कि अगर आप बाहर जा रहे हो, अच्छा मौसम है, तो आपका मूड अच्छा होगा, इस वजह से आपका काम भी और अच्छा होगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. नो, ही साइट्स दिस स्टडी जिसमें अगर आप खराब मौसम में भी बाहर जा रहे हो और आपका मूड भी खराब हो गया, इवन देन योर कॉन्सेंट्रेशन गेट्स बेटर जस्ट बिकॉज यू टुक दैट वॉक विच इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्टिव मेडिटेशन. तो दैट इज अनदर वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन डिस्कस इन दिस बुक. एंड लास्टली ऑथर ने बात करी है हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चर योर डे. बिकॉज मुझे जो लगा ना, मतलब मेरे को भी ये फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें ना मुझे अपने लिए जो सबसे बड़ी कमी लगी, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग माई डे. और ऑनेस्टली अगर आप कोई भी टाइम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ोगे, पॉडकास्ट सुनोगे, तो उसमें ये स्ट्रक्चरिंग योर डे जिसमें होता है कि आप अपना पूरे दिन का जब भी आप उठे होते हो तो वो पूरा एक लॉग रखो, और एवरी हाफ एन आवर शुड बी अकाउंटेड फॉर. और उसमें आप या तो डिसाइड कर लो क्या कर रहे हो, या स्टार्टिंग में आप पहले देखोगे क्या कर रहे हो एंड देन यू वर्क ऑन इट. अब उसमें ना सबसे बड़ा फ्लॉ जो मुझे लगा आज तक जो मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं उसमें था, उनमें से किसी ने ये नहीं बताया जो डीप वर्क में कैल न्यूपोर्ट ने बताया. वो क्या था कि जब आप ऐसा वाला करते हो ना शेड्यूल, अगर आप अपना ऐसे स्ट्रक्चर देखना शुरू कर देते हो या बनाना भी शुरू कर देते हो, तो एक दिन तो वो सही चल जाता है, सेकंड डे समथिंग अनप्रिडिक्टेबल हैपन्स, तो वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो जाता है. तो हफ्ते से ज़्यादा ये वाली टेक्निक चलती नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई करी है. इसमें जो ब्रेक थ्रू आइडिया मेरे लिए था इस बुक में, वो ये था कि दिस इज़ नॉट कि आपको वो
लिस्ट को स्टिक करना है. ही सेज कि चाहे आप उसको 10 बार रीड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर को, चाहे वो 10 बार प्लान कर लो, 20 बार प्लान करो, उसको इरेज करके दोबारा दोबारा करते रहो, उसके 50 आइटरेशंस हो जाए, डजंट इवन मैटर. ही सेज दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी. द पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी इज कि आप अपने पूरे दिन को एक स्ट्रक्चर दे रहे हो. इवन वेन यू आर रिलैक्सिंग, यू नो, कि अगर आप 5 घंटे या एक हॉलीडे पे भी चले गए हो, अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो आपके दिमाग पे एक ऐसा बोझ है जो हर बार ये सोच रहा है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ. एंड आई डोंट नो इफ यू हैव रियलाइज, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है मैं पूरा संडे कुछ नहीं कर रही होती, एंड दैट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल डे फॉर मी. और अगले दिन तो रात को तो मुझे नींद ही नहीं आती उस दिन, ठीक है. और सुबह भी मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है, सुबह ठीक हो जाता है बिकॉज देन मंडे हैपन देन आई एम प्रोडक्टिव, बट संडे को मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है. एंड आई फाउंड द रीजन व्हाई, बिकॉज वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता दिन, मेरी वो रिलैक्सेशन टाइम इज जस्ट लाइक हाफ एज आर्ट. इसकी वजह से मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा टायर्ड और स्ट्रेस्ड हो जाता है. एंड दैट इज व्हाट द ऑथर टॉक्स अबाउट इन द बुक एज वेल, कि आपको अपना ये दिन इसलिए स्ट्रक्चर करना है सो दैट आपके ब्रेन को ये एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़े कि क्या करना है क्या करना है, राइट. सो ब्रेक थ्रू आइडिया फॉर मी, कि इतनी बार मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टाइम मैनेजमेंट गुरुज बताते हैं, वो ट्राई करा है, कभी मेरे लिए हफ्ते से ज्यादा चला नहीं. लाइक आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, बट हो ही नहीं पाता है. इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज यू आर लाइक थिंकिंग कि यू हैव टू बी गुड एट इट. यू डोंट हैव टू बी गुड एट इट, यू हैव टू जस्ट डू इट. टू समराइज, डीप वर्क करने के लिए, जिसके बारे में ऑथर ने बता दिया आपको व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, उसकी फिलॉसफीज क्या है, उसका कोई फ्रेमवर्क, सब कुछ ऑथर ने इस बारे में बता दिया आपको. एंड ही सेज टू समराइज, डीप वर्क करने के लिए आपको ना अपने ब्रेन को थोड़ा सा रीवायर करना पड़ेगा. यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल रेजिस्टिंग द डिस्ट्रैक्शंस. और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको पता है आजकल हमारे सोशल मीडिया के साथ, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स, ट्विटर, जो इनको सबको ऑथर ने नेटवर्क टूल्स बोला है. एंड इसकी भी काफी डिस्कशन करी है कि इनसे, इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ा जाए. तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यू हैव टू बी कंफर्टेबल रेजिस्टिंग दीज डिस्ट्रैक्शंस, बट एट द सेम टाइम आपकी जो विल पावर है, ऑथर सेड इट्स ऑलवेज लिमिटेड. तो कैसे है, आप अपने आप को ऐसे ट्रेन करो, ऐसे रिचुअल्स और रूटीन्स बनाओ कि आपकी विल पावर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े टू रेजिस्ट दीज डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है. तो उस बारे में ऑथर ने बात करी. एंड ही काइंड ऑफ सेज कि आपको ना डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का काम करने के बजाय इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कैसे आप इन डिस्ट्रैक्शंस के अराउंड एक ऐसा रूटीन बना लो कि आप डीप वर्क कर पाओ. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कि अच्छा मेरे को ट्विटर तंग कर रहा है, ट्विटर डिलीट मार दूं या ये कर दूं, और काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है, लाइक आई कॉन्ट डिलीट माई इंस्टाग्राम, मेरी जॉब चली जाएगी, ओके. तो आई कॉन्ट जस्ट लाइक रिमूव इंस्टाग्राम फ्रॉम माई फोन, है ना. तो ही सेज कि इन दिस रियल वर्ल्ड, जहाँ पे नेटवर्क टूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, एंड मोस्ट ऑफ अस नीड दीज टूल्स. आई एम अ मार्केटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई नीड दीज टूल्स, ठीक है. तो व्हाट समबडी लाइक मी नीड्स टू डू इज लाइक क्रिएट रूटीन्स एंड रिचुअल्स अराउंड दीज डिस्ट्रैक्शंस, कि मैं उनके अंदर ये डीप वर्क कर सकूँ, ठीक है. इनको नहीं हटाना है डिस्ट्रैक्शंस को, जस्ट अपना वो रूटीन ऐसा करना है कि इसी के अराउंड मेरा डीप वर्क हो जाए. तो येस, दैट इज द काइंड ऑफ समरी ऑफ लाइक 7 मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने इस बुक में पढ़े और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बुक ने मेरे दिमाग में जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी ना, उनको क्लियर कर दिया. एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ें मैं गलत कर रही थी, लाइक द स्ट्रक्चरिंग योर डे, आई वॉज ऑलवेज डूइंग इट रॉन्ग, मेरी अप्रोच ही गलत थी हमेशा, और किसी ने मुझे बताया नहीं. लाइक इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, उसमें ये देख पढ़ा कि ये वाला करो, और किसी ने ये बात नहीं बताई कि फोकस किस पे करना है, ओके. बट देन आई एम हैप्पी कि मैंने ये बुक पढ़ी जिसमें मेरे को काफ़ी सारे आंसर्स मिले. एंड आई रियली फील लाइक, मतलब ये बुक पढ़े हुए मुझे 2 दिन हुए हैं, एंड आई कैन फील द लिटिल डिफरेंस देयर, कि मेरी वो जो गलत सोच थी ना, वो थोड़ी करेक्ट हो गई है. एंड ऑब्वियसली इफ आई वर्क ऑन दिस बुक, इफ आई लाइक वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स एंड थिंग्स दैट हैव बीन सजेस्टेड इन द बुक, आई थिंक मेरी लाइफ में और पॉजिटिव चेंज आएगा. एंड दिस इज वाई आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं इस बुक के बारे में कुछ आपको बता दूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट ना ऐसे बल्ब की तरह जग जाए और आप ये बुक खरीद कर खुद अपने लिए पढ़ लीजिए. अगर आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेशन में इश्यूज आते हैं और आपको है कि आपको ये कोई एक चीज़ करनी है जिसपे आपसे हो ही नहीं पा रही है, रीड दिस बुक एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट. ये बुक आई थिंक हिंदी में भी अवेलेबल है और भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सो आप चेक कर सकते हैं. एंड येस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ऐसी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कॉमेंट कीजिए, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ. मैं काफ़ी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ती हूँ, तो चैनल पर ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करी कभी आज तक, मतलब रिकमेंडेशन तो करी है बट ऐसी वाली वीडियोज़ कम बनाई हैं. बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थम्स अप करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको अच्छी लगी, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस. एंड यस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. जस्ट मैं बी साइनिंग ऑफ, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून.